Hi everyone, so welcome or welcome back to this YouTube channel. First of all, let me introduce myself. I am Neha and I will be updating you with all the recent topics going on and which you can see as a crucial or we can say a vital important topics for your preparations. So today's topic is about banking health. सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और COVID-19 के टर्म्स में बैंकिंग हेल्थ का क्या अभी करंट अपडेट चल रहा है, तो अगर हम बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या है और कैसे, क्या रीजंस थे इसके पीछे और क्या चल रहा है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे. सबसे पहले हम एक रीसेंट एक फैक्ट जान लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो थे वो मार्च 2018 से 11.5% थे, जो कि अब सितंबर 2020 तक 7.5% हो गए हैं. तो यस, ये जो है ये एक इम्प्रूवमेंट जो देखी गई है, ये एक जो अच्छी चीज नोटिस की गई है. तो इसका क्या आगे फर्दर इम्पैक्ट है, ये है भी सही अच्छा है या नहीं, या सिर्फ ये एक फेक या इल्यूजन बनाया गया है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, या हम कहें वो लोन्स या एडवांसेस होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी और को देता है. इन शॉर्ट अगर मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में आप लोगों से बात करूं, आपने किसी को पैसे दिए, अल्टीमेटली वो पैसे आपके पास वापस आएंगे. आपने किसी को उधार में पैसा दिया, बट जब आपको पता चल जाए कि नहीं वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, वो पैसा एक तरीके से डूब गया है, बट आप अपने घर में नहीं बता सकते वो बात कि नहीं वो पैसे अब वापस नहीं मिलने वाले, बट स्टिल अगर आपसे घर वाले पूछते तो आप बोलते रहते कि हाँ वो पैसे मिलेंगे. आपको अंदर से पता होता है कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, वो नहीं मिलेंगे, वो पैसा मेरा डूब गया, बट स्टिल आपको शो करना पड़ता है कि यस यू आर इन होप. तो उसी चीज को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई लोन हो सकता है जो आपने अपने किसी फ्रेंड को दिया, या कोई एडवांस हो सकता है, या फिर आपने कोई एसेट हो सकती है अपने जो उनको दे दी. तो इनफैक्ट हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है. और अगर हम बैंकिंग सेक्टर के टर्म में बात करें तो ये वो लोन्स या एडवांसेस हो सकते हैं, या फिर एक प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी हो सकता है. और अगर हम थर्ड पॉइंट पे बात करें तो जो लोन एग्रीमेंट्स जो बीच में ब्रोक हो जाते हैं, ये वो भी हो सकते हैं. तो इन शॉर्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कॉमर्स के टर्म्स में या इकोनॉमी के टर्म्स में, कि वो लोन्स या एडवांसेस जो एरियर्स में होते हैं जिनका भी पता नहीं होता कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेजोल्यूशन है वो क्रूशियल क्यों है. बेसिकली आप लोग को बैंकिंग सेक्टर का एक जो सर्कल है वो पता होगा कि RBI मनी इंजेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी में, उसके बाद वहां से वो मनी किस किस थ्रू में जाती है, लोन्स की फॉर्म में पास आउट होती है, सब्सिडीज की फॉर्म में जाती है, तो इस तरीके से वो इंजेक्ट की जाती है मनी. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या उसमें क्रूशियल है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो पैसा होगा अल्टीमेटली जो इंजेक्ट तो हो गया, जो हमने दे तो दिया, बट वो वापस नहीं आने वाला या फिर वो डूब चुका है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यस इट इज क्रूशियल, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की इफेक्टिवनेस इस चीज से पता चलती है कि वो पैसा प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है इकोनॉमी में. तो यही बात है कि इकोनॉमी में एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो किस अप टू होने चाहिए, किस हद तक होने चाहिए या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. देन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग हेल्थ इन रीसेंट क्वार्टर्स. मैंने आपको बैक स्टोरी सुना दी कि पिछले दो सालों में 11.5% बैंकिंग सेक्टर ने ये अनुमान लगाया था कि 11.5% थे, बट अब देखा जा रहा है कि एक उनमें एक डाउनफॉल आया है, जो कि एक अच्छी बात भी है या बुरी बात भी है, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है भी सही या नहीं, तो अब हम उसको लेके देखते हैं. फर्स्टली अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबल. अब हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ सालों में जो बैंकिंग सेक्टर है वो कुछ सालों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आया है, कहीं कहीं कमर्शियली वो ग्रो करा है. इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स थे उनके लॉसेस भी कम हुए हैं. पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने बैंक्स थे जो हर साल डूबते हैं, हर साल मर्जर में जाते हैं, कभी RBI उनको किस तरीके से वापस रिलीव करने की कोशिश करता है, कभी क्या करने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का काफी वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा था दो साल से. तो अब कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कहीं ना कहीं अपना लॉस कम किया है, तो ये एक आशा की किरण हो सकती है. इसके अलावा RBI की पॉलिसीज,
यहाँ पे इस पॉइंट के अलावा मैं आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए एक चीज और डालूंगी। आरबीआई अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, आपको भी पता होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जिसमें से अगर आपको नहीं पता आप जरूर गूगल करें और इनके बारे में पढ़े कि क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है, वो किस तरीके से आरबीआई को हेल्पफुल करता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने अपने पॉलिसी में भी चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बैंकिंग हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आई है। अब अगर हम बात करें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके पीछे मतलब क्या है जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने ज्यादा ऊपर आ गए, इतने ज्यादा हम कह सकते हैं वो बढ़ गए। तो सबसे पहले बात करें कि बूम ईयर्स इन लेट अगर हम बूम ईयर्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बूम ईयर्स का मतलब समझ लीजिए। बूम ईयर्स का मतलब ये होता है वो साल जिनमें आप एक इंडस्ट्री में या आप जो इंडस्ट्री में ग्रोथ देखते हो उस चीज को कहा जाता है बूम, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एक कॉर्पोरेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेट 20s में या लेट 2000s में यानी 2010 के बाद जो हमने बूम देखी, जो हमने देखा इंक्रीमेंट, तो वो भी कहा जाता है कि एक चीज है। क्यों? इसके पीछे का एक सर्कल समझ लेते हैं। हम एक सर्कल की बात करेंगे, उसमें ये 6 के 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप इस सर्कल को सोचिए कि कॉर्पोरेट्स बढ़े, कॉर्पोरेट्स बढ़े तो उनको कहीं ना कहीं इंजेक्ट करने के लिए मनी चाहिए होगा, जिसकी वजह से बैंक आगे आया और उसने अपनी क्रेडिट पॉलिसी इजी करी। क्रेडिट पॉलिसी इजी करी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट्स क्रैश कर गए और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो मैंने आपको अभी एक सर्कल बताया, उस सर्कल में कहीं ना कहीं चीजें घूमती रह गई। अब जब वो सर्कल मैंने क्या बताया आपको, मनी इंजेक्शन का, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, उस सर्कल में कहीं ना कहीं चीजें घूमती रह गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम कहते हैं ना कि एक अति हो जाती है। तो 2018 तक उस चीज की अति हो गई और 18 तक वो जो पिछले के 2 साल थे उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमें अब पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ी इन सबको एक एक्सटेंड तक कम करने के लिए। हम इसको दोबारा से समझते हैं। कई बार क्या होता था, अगर हम बैक स्टोरी में जाए, कॉर्पोरेट्स इतना ज्यादा अपने बैलेंस शीट्स को मैनिपुलेट करने के लिए चीजें यूज करती थी कि उसका जो इफेक्ट जाता था वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पे जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स आधे से ज्यादा बिजनेस जो होता है वो लोन्स और लेंडिंग के थ्रू चलता है। ये ट्रू इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर है कि आधे से ज्यादा बिजनेसेस लोन, आधे से ज्यादा क्या, रादर 80% या 90% बिजनेसेस लेंडिंग और लोन्स के थ्रू चलते हैं। अब जब उन लोगों ने अपनी बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन किया तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन हमें बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट्स या बैंक्स की बैलेंस शीट्स में भी देखने को मिला, जो कि एक गलत चीज पे इंडिकेट करता था, जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़े और जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो कॉर्पोरेट्स इमर्ज हुए थे उस टाइम में 2010 के बाद, उसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक्स ने अपनी जो लेंडिंग थी उनको इजी क्रेडिट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जब क्लैशेस हुए तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हुआ, वो सर्कल घूमा और इसकी वजह से क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये इस पूरे सर्कल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे घूम के आया। तो इन 6 पॉइंट्स में मैंने आपको सारी चीजें कवर कर दी हैं, इन पॉइंट्स में सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आपको पढ़ना हो आप पढ़ लेना जरूर पॉज करके, और एक बार पढ़िएगा भी जरूर, इसमें काफी अच्छा भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, COVID-19 शुड हैव फर्दर वर्सन एनपीए प्रॉब्लम, राइट। अब इस जब यहाँ पे आ जाता है ना एक जगह पे, राइट, मैं आपको एक एनालिटिकल अपने आपकी जो थिंकिंग होगी वो डेवलप करने के लिए जरूर बताऊंगी कि जहां कहीं पे भी किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क हो ना राइट बोल के, तो यानी ये एक सरकास्टिक नोट भी होता है और इसमें एक पॉजिटिव नोट भी छुपा होता है। तो क्या COVID-19 ने चीजों को वर्स किया? प्रोबेबली यस, करा, इस चीज का आंसर ये है। बट जो बैक स्टोरी चल रही थी पहले भी, तो बैंकिंग सेक्टर और हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में ही थी, पहले ही कितनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी गिर रही थी, तो हम पूरा पूरा नाम ये COVID-19 पर तो नहीं डाल सकते। करा बट पूरी तरह नहीं करा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यही मिलेगा कि सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी नहीं, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर नहीं, काफी ज्यादा यानी इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे ही इस चीज का बुरा असर पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज ने भी स्टेप्स लिए, अथॉरिटीज ने भी ट्राई किया उन स्टेप्स को लेने का, बट कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते वर्स। अब इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं कि जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी तब तक हम बैंकिंग सेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह इस
पूरे सर्कल के साथ कोप अप करें. इट विल टेक सम टाइम बट इट विल डू. तो अगर हम इसके अलावा एक फैक्टर होता इसके अलावा एक फैक्टर और ये था कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत भी चला. ये मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जैसे कि फोर्थ पॉइंट आत्मनिर्भर भारत और ये जो रेगुलेटरी बैंकिंग सेक्टर ने जो भी अथॉरिटीज ने स्टेप्स लिए वो कहीं ना कहीं सिमिलर थे. कैसे सिमिलर थे? गवर्नमेंट अलग है, बैंकिंग सेक्टर अलग है, स्टिल उन दोनों ने साथ मिलकर एक चीज चलाया. गवर्नमेंट ने चलाया आत्मनिर्भर भारत और बैंकिंग सेक्टर्स ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो जो इंटरेस्ट जो सामने वाला एक पे कर रहा है उस लोन अमाउंट के ऊपर उस चीज में रेट में कट्स किया जाए. आपको भी पता है कि अभी के प्रेजेंट टाइम में रियल एस्टेट कितना डाउन है, अगर आप हाउसिंग लोन्स लेने जाए उनके रेट्स कितने ज्यादा गिर गए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से साथ मिलकर एफर्ट लाया गया इकॉनमी को दोबारा ऑन ट्रैक लाने का, जिसमें अथॉरिटीज ने भी पूरी कोशिश की कि वो इजी वे में इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट कर पाए थ्रू लोन्स. इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया कि वो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू एक फ्लो ला पाए इकॉनमी में, सो दैट इकॉनमी जल्दी जल्दी कोप अप करे. तो COVID-19 ने क्या सिचुएशन वर्स करी? हाँ, बट पूरी तरह नहीं. बट उस केस में भी अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली कि अथॉरिटीज अपनी स्टेप्स ले रही हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट भी साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है. इसके अलावा अ डिक्लाइन इन बैड लोन इज गुड न्यूज, बट वॉट इज रियल पिक्चर? अब सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी तो हमें दिख रहा है कि बैड लोन्स, यानी अगर बैड लोन्स का मतलब ही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो उसमें कहीं पे बैड लोन्स आए या कहीं पे नॉन, तो उस आर्टिकल के एक इकोनॉमिक टर्म्स में जाके देखना कि हाँ उसका यही मतलब होता है. तो यहाँ पे भी यही चीज पूछ रहे कि क्या बैड लोन्स कम हुए हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? बट इसका जो रियल साइड है, जो रियलिटी है, वो है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि इकॉनमी में स्लो डाउन आया, सिर्फ इकॉनमी में नहीं पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आया और सभी बिजनेसेस को उन्होंने नीचे मतलब जो कोरोना है उसकी वजह से सारे ही बिजनेस नीचे गिरे. बट इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रियल पिक्चर है काफी ज्यादा डार्क है. नहीं, अब ये जो डार्क साइड है, मैंने ये क्यों बोला कि इतनी ज्यादा डार्क नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सपोर्ट रहा, एक प्रॉपर मेजर्स रोल आउट हुए. मेजर्स का क्या मतलब है कि आरबीआई ने भी ट्राई किया कि हाँ वो एक्चुअली ट्राई करे कि COVID-19 के ऊपर उन लोगों ने प्रॉपर रिलीफ मेजर्स तक खड़े कर दिए कि वो खुद ट्राई करती कि इकॉनमी में एक अच्छा है. बट साथ ही साथ एक अल्टीमेटम और भी दिया गया कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्यूचर में भी आ सकते हैं. क्यों आ सकते हैं? जस्ट बिकॉज कि अभी तो इस टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में हम इकॉनमी में हम अपना जो पूरा इस सर्कल में पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस जितना ज्यादा आप इंजेक्ट करोगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं रिस्क भी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे. और पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी लोन्स इतने ज्यादा इजी उसमें अवेलेबल है, स्पेशली हाउसिंग वाली कैटेगरी में. तो कहीं ना कहीं डर है कि बाद में जाके ये चीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ना कन्वर्ट हो जाए. तो हम यही कह सकते हैं इकॉनमी में स्लो डाउन आया, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड में आया, बट इसके अलावा काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला और इसके अलावा आरबीआई ने भी अपने मेजर्स करे, तो हम मेजर्स ठीक करे. तो हम ये कह सकते हैं कि रियल पिक्चर इतनी ज्यादा डार्क नहीं थी, स्टिल गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया और यहाँ पे आरबीआई ने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया. अब ये कहेंगे कि फ्यूचर के लिए आरबीआई ने क्या क्या प्रॉपर चीजें बोली है. सबसे पहली चीज अगर हम बोले तो यही चीज बोली गई है कि फर्स्ट चीज आप लोग यही करो कि बैलेंस शीट्स का स्ट्रेस मत लो. जस्ट लाइक कॉर्पोरेट्स अर्लियर डिड कि उन लोगों ने बैलेंस शीट्स का इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया कि वो इतनी ज्यादा मैन्युपुलेशन करने लग गए कि वो एट द एंड बैंकिंग सेक्टर पर ही आके दिखने लग गया. हमने अभी पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा था कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्री, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 2010 के बाद जो बूम आया उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इतना ज्यादा पैसा इंजेक्ट होने लग गया कि वो एट दी एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होकर बैंकिंग सेक्टर को ही अनहेल्दी तरीके से इम्पैक्ट करने लग गया. सेम यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहली बात, बैलेंस शीट पर स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना. इट्स बेटर कि हम जो एक एक्चुअल हेल्थ पोजिशन है
उस ऑर्गेनाइजेशन की, या हम बोले इकोनॉमी की, उस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा रिमाइंड वेरियस रिलैक्सेशंस इन टाइमली मैनर। अब हम क्या करेंगे, जो रिलैक्सेशंस पहले चल रहे थे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाई है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट व्हाट दे डिड इन स्पेशली इन कोविड, कि एक जगह से अगर पैसा हम दे रहे थे इकोनॉमी में तो वहां से रोक के किसी दूसरी पॉलिसी या किसी दूसरी स्कीम में डाला गया। तो वही गवर्नमेंट बात कर रही है कि अगर हमारी कोशिश रही तो हम दोबारा धीरे धीरे टाइम के साथ इन रिलैक्सेशंस को दोबारा रिवाइंड करेंगे। इसके अलावा रीन इन लोन इम्पेयरमेंट। सबसे पहले कि इतना ज्यादा हम लोन नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा लोन नहीं देंगे कि आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम आए। इतना ज्यादा भी बिल्कुल पैसा इंजेक्ट नहीं करने लग जाएंगे कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के चक्कर में कि बाद में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ रहा हूं। इसके अलावा इंश्योर्स एडुकेट कैपिटल इन्फ्यूजन इन टू बैंक्स। एग्जैक्टली वट आर बी आई डू, आर बी आई बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में पैसा, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करता है। आर बी आई के पास यही एक ही मोड होता है, दूसरा मोड होता है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज के थ्रू। तो यहाँ पे आर बी आई ने यही बोला कि बैंक को जो कैपिटल प्रोवाइड होती है उसको हम एडुकेट तरीके से करेंगे, अंधाधुन नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बोलेंगे कि शायद टैक्स पेयर्स के थ्रू भी एक जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम रिवाइव करने की कोशिश भी करेंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है फॉर नाउ? कंक्लूजन यही है कि अगर बैंकिंग सेक्टर या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की जो हेल्थ है वो एट द एंड रियल इकोनॉमी पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से रियल इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी, खुद के इस कंडीशन के साथ कोप अप कर पाएगी, और एट द एंड सब बिजनेसेस पे भी डिपेंड करता है। एज आई मेंशन कि बिजनेसेस एक इकोनॉमी का ऐसा पार्ट है कि जिसकी बिजनेसेस के बिना आप इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप रिटर्न्स की, कब बिजनेसेस की एक वापसी होती है, कब एक बूम आता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो बात होगी वो यूनियन बजट जब निकलेगा, यानी जो 4 हफ्तों बाद या हम कह सकते हैं जनवरी एंड में निकलेगा, तभी पता चल पाएगा। तो यस, आज के लेक्चर से हमने यही सीखा कि जो प्रेजेंट डे है वो इतना ज्यादा वर्स्ट भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आरबीआई भी अपने कोविड-19 के मेजर्स दे रहा है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी अपना पूरा सपोर्ट दे रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल डूब रहा है या सारे बैंक्स डूब रहे हैं, नहीं, आरबीआई अपना ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट अपना ट्राई कर रही है, बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी कि इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। तो चीजों को उतना ज्यादा डार्क बनाने से बेटर है कि हम पॉजिटिव साइड पर भी फोकस करें। सो या दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया और मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।